गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल पीएम साहब मोदी जी ने जो देश को संबोधित किया, उसके बाद में जो अपना शेयर मार्केट है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, सेंसेक्स है, ये आई थिंक ये आने वाले हफ्ते में अच्छा बूस्ट करेगा। और फ्राइडे तक आई थिंक इसके जो भी लॉसेस हुए, 284 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, जो भी लास्ट वीक का लॉस हमको कल हुआ था, वो आई थिंक रिकवर होने के चांसेस है। क्योंकि अभी लॉकडाउन के फेवर में गवर्नमेंट नहीं है, जिससे मार्केट और भी जो इंडस्ट्री है और भी जो बिजनेस वगैरह है उनको थोड़ा स्ट्रेंथ मिला है। और दे आर नो अभी थोड़ा टेंशन फ्री है कि ऐसा कुछ लॉकडाउन नहीं होगा, तो उनके पास में अभी जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, मैन पावर है, मशीन्स है, उसका वो सही से यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये जो भी ये वर्कर्स है, डेली वेजेस वर्कर है, तो वो भी आई थिंक अनवांटेड मूवमेंट नहीं करेंगे और वो भी अपने गांव में जाने की अभी कोशिश नहीं करेंगे। तो वो लोग भी अभी जहां पे हैं वहीं पे काम धंधा करेंगे। तो इससे क्या है, सभी सेक्टर के बिजनेस है उसको आई थिंक फ़ायदा होना चाहिए। और मैं ये देखता हूँ कि आने वाले करीब विद इन ए वीक, नेक्स्ट वीकेंड तक आई विल सी 15,000 पॉइंट्स इन निफ्टी 50 श्योर। जो भी ये लॉस हुआ था लास्ट वीक का, ये बाई फ्राइडे में भी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा पॉजिटिवनेस आई थिंक आ रहा है, केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जैसे पीएम साहब ने बोला था कि लोगों की जान भी बचाना आवश्यक है और देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना आवश्यक है, इससे सभी बिजनेस सेक्टर जो भी इंडस्ट्री है इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। माय नेम इज़ वीर सिंह।